आज काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, जिनका स्वागत आज उनके कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हम नागरिक नाटक मंडली चौराहे पे खड़े हैं, जहां पर पूरा पुलिस बंदोबस्त रख कर दिया गया है, पूरी तरीके से पुलिस को यहां पे लगा दिया गया है, पूरी तरीके से रास्ता बैरिकेड कर दिया गया है। इसी रास्ते से वो आएंगे और एक तरीके से रोड शो करते हुए यहाँ से जनता और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। यहाँ पे उनका वेलकम का इंतजाम रखा गया है और कार्यकर्ताओं में शाम से ही उत्साह है, शाम से ही लोग झूम रहे हैं और लगातार झूम रहे हैं लोग, और मोदी जी के बस आने का इंतजार है। और ये अपने जितने जो सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया है, काफ़ी बढ़िया सुरक्षा लगाया गया है, कुछ लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका है? मैं महंत गोविंद दास शास्त्री, संत कबीर साहब के प्राकट स्थल वाराणसी से। क्या मोदी जी का आने का वेलकम का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आज मोदी जी का, आज हमारे काशी के तीसरे बार सांसद बनने जा रहा है, उसके फर्स्ट आगमन पर हम लोग वेलकम कर रहे हैं। और मोदी जी के कार्यकाल में पूरे कबीर साहब के स्थली का पूरा भव्य से स्वागत हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे बगल में पूरे चौराहा है, जिसमें कबीर साहब के पांच मूर्तियों का अनावरण उन्होंने द्वारा हुआ है। मैं हमारी कबीर प्राकट स्थली वाराणसी का भी पूरा उनके कार्यकाल में पूरे डेवलपमेंट होने जा रहा है, इसलिए हम लोग पूरे संत महात्माओं के साथ उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्या क्या इंतजाम रखा गया है मोदी जी के वेलकम पे, किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे होगा? यहाँ हम लोग उनके फूल के वर्षा के द्वारा स्वागत करेंगे उनके फूल के, और तो यहाँ संगीत का कार्यक्रम चल रहा है कि लगे कि काशी में एक भारतीय संस्कृति का एक पहचान हो और कबीर का एक नया आदर्श। धन्यवाद। देखा आपने, जैसे हमारे कैमरा मैन सहयोगी जी कहेंगे दिखाएं कि यहाँ भी एक तैयारी दे सकते हैं कि एक काशी का संसार दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर आज मोदी जी का वेलकम होगा। यहाँ पर उनके आने से पहले, यहाँ पर जब वो वेलकम करेंगे, जब इस जगह से जाएंगे, तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये भी नज़ारा देखने लायक होगा कि मोदी जी का काफ़ी हार्दिक अभिनंदन स्वागत होने वाला है। और पीएम मोदी जी का ये जो रोड शो दौरा है, काफ़ी खास माना जा रहा है, जिस पर हर चप्पे चप्पे पर प्रशासन पूरे तरीके से मौजूद है और छोटी सी भी चूक प्रशासन नहीं चाहती है कि कोई भी तरीके की चूक हो। और देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार उत्साह है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, लगातार बड़े अधिकारियों का भी राउंडअप चालू है और कार्यकर्ताओं का भी आप उत्साह देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है। और मोदी जी का वेलकम करने आ रहे हैं, जिस तरीके से वेलकम जो उनका है, गाना बजाना यहाँ चालू है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, चार्जपेप भी लगा दिया गया है और यहाँ पे कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। कुछ लोग से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। हाँ, मोदी जी का कैसे स्वागत करेंगे? मोदी जी का बनारस में हमेशा स्वागत रहता है, इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से स्वागत होगा। स्वागत है विश्वनाथ की, सकते हैं ये आप उत्साह देख सकते हैं कि मोदी जी का स्वागत है और काफी इंतजार है मोदी जी का। कैमरा पर्सन खुशी आलम के साथ पब्लिक लाइफ के लिए चुने।